back once again. Salam alaikum wa alaikum aslam. Kamastos. So guys, आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आने वाले हैं. As you might have seen कि हमारा कार्गो होल्ड थोड़ा खाली है, so we are just trying कि हम क्रिकेट खेल सकें. क्योंकि हम लोग कांडला बर्थ किए थे, बर्थ नंबर 16 में, थोड़ा 3 कार्गो लोड 16 यूनिट लोड की हैं, 2 हैवी लिफ्ट थी और छोटा छोटा एसेसरीज का. तो हमारा स्पेस बाकी है और हम फिर से जाएंगे जब दूसरा कार्गो रेडी हो जाएगा. ये जो कार्गो है हुसैन के लिए है और इसके जो नेक्स्ट कार्गो है आरएनएसएस स्पोर्ट यूएसए के लिए है. तो मैं बोसी को बस रेडी कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी क्रिकेट खेलेंगे. गाइस, यहाँ पर हमारे कप्तान आ चुके हैं. चीफ साहब जी इंट्रोड्यूस करें इनके बारे में. कुनवर आशीष साहब नाम है. ये रणजी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, नेशनल खेल चुके हैं. अभी छक्के ही मार सकते हैं. दया वल्ली राम का दुश्मन. हाय हाय गाइस, फाइनली सहवाग को देखना चाहते हैं कि आप इरफान पठान को देखना चाहते हैं या चमिंडाबाज या मलिंगा को देखना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी इस वीडियो में बने रहें क्योंकि आप देखेंगे बहुत जल्दी इस वीडियो में. और शानदार कलाकार बैट्समैन छोटे ठाकुर, कप्तान साहब हैं, चीफ साहब हैं, बोसन साहब हैं. अभी बस हैच कवर खोल रहे, थोड़ी देर बाद हमारा खेला चालू होने वाला है. तो बस थोड़ा सा हैच कवर ओपन कर रहे हैं और सूरज की रोशनी तो है ही हमारे पास. सो हु विल बी इन कैप्टन सर टुडे? तो गाइस आप देख सकते हैं हम हैच कवर नंबर 2 ओपन कर रहे हैं. कार्गो होल नंबर 2 में जाके हम खेलने वाले हैं. ये है हमारा आफ फनल और मैं अभी चेक कर रहा हूँ ये क्लियरेंस. जस्ट हैव अ लुक, उसके बाद विल गो डाउन. And there is no such thing called engine and deck. And देखते हैं नीचे जाके कि किस प्रकार का माहौल रहेगा, कैसा रहेगा सब कुछ. And किस प्रकार से हम खेलेंगे, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, वो तो आप enjoy करेंगे. हमारे साथ बने रहिए, enjoy करते रहिए. और इसका मतलब है कि hatch cover open होने दो, वहाँ touch नहीं हो रहा है, कर रहा है. आने दो, मजा आने वाला है. देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आने वाला है भाई लोग बहुत जल्दी. तो इस मैच खेलने से पहले थोड़ी देर जॉगिंग तो कर ही लेनी चाहिए, जॉगिंग या ब्लॉगिंग तो कर ही लेना चाहिए, है ना पाजी? जॉगिंग भी करेंगे. चीफ साहब रेडी हैं, हमारे कप्तान और हमारे उप कप्तान, देखते हैं क्या होता है. तो ये रहा हमारा कार्गो होल्ड और दो जो यूनिट हमने लोड की थी नीचे, आप देख सकते हैं हैवी लिफ्ट यूनिट चीफ साहब ने लोड करवाई हैं. और ये रहे मंगेश बाबा, देखना कैसे शॉट मारेंगे, एकदम झकास. तो गाइस आप देख सकते हैं ये कार्गो होल्ड हमारा 2 है और ये ट्विन डेक पॉन्टून्स हैं. ये दो कार्गो हमने जो लोड किए हैं. अभी फ़िलहाल हम हमारी पिच का मुआयना करते हुए चीफ साहब और क्लियर कर रहे हैं सब चीज़ ताकि किसी को चोट ना लग पाए. चीफ साहब पिच का मुआयना करते हुए, बहुत ही बेहतरीन पिच है ये, मज़ा आने वाला है भाई लोग. इतनी खुशी नहीं मिलती है जितनी खुशी मिलती है खेल करके. ठीक है, सभी चीज क्लियर कर दी जाएगी. और आवर कैप्टन सर इज हियर. ये हमारा पूरा कार्गो होल्ड है, ये भी कार्गो है
और ये दोनों हैवी लिफ्ट हमने अपनी क्रेन से लोड की हैं, दोनों क्रेन से, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था पहले भी कि ऐसी लोडिंग को क्या कहते हैं दोनों क्रेन से लोड कराया जाता है। तो इसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप मुझे नीचे दें और थोड़ी सी पिच को क्लियर करते हैं। सो दिस टू गाइज आर फ्रॉम फिलीपींस। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट क्रिकेट? यस, वी आर द इंपोर्ट फ्रॉम। पिच का मुआयना करते हैं साथ साथ में, देख सकते हैं कार्गो होल्ड को आप पीछे, और यहाँ छोटे ठाकुर बैटिंग करेगा एकदम स्टाइल में स्वैग के साथ। हम पे एंड ऑल फील्डिंग बिकॉज़ देयर ओनली जॉब फॉर सिक्स इज वी मार्क द बाउंड्री विद दिस रेड कलर एक्सटिंग्विशर पॉसिबल वेरी नियर। पर सर ये एलिव आएगा नहीं ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। सो बाउंड्री हमारे रणजी प्लेयर खुद बनाते हुए, लो जी पान दिया गया, दूसरी साइड हम ले जाते हैं। ऐसे बांधो हुआ कैप्टन। आई एम द कमेंटेटर, आई एम ओनली द प्लेयर ओनली। कैप्टन का क्या पता क्या करना है? बोस्टन एंड हम्पी तो 1-1 टीम। हाँ, टू टू यादव एंड four people we will be 2-2 each. Okay, white or Vimal? Vimal white keep up sir. Okay, you and captain. Okay, and Yadav. Okay sir, and now your turn na? Anyone, whatever you like. Hampi okay, both sir. Okay, so we three or one team? Captain sir is there with me, I don't need anything. I will not do anything, captain will do everything. Are we are Hampi Wait, was he? Captain. White and blue. Okay. Blue. White batting. Again lost. Batting kar rahe ho? Okay, let's start. Three ball.
मैच जीत चुके हैं। चीफ साहब रणजी ट्रॉफी खेल के अभी थोड़ा टाइम हो गया उनको ना, इसलिए चलेगा पर चलेगा। कल बताएंगे, कल बताएंगे। फर्स्ट मैच आकाश वन बॉल क्लीन आउट ऑलरेडी बॉल्ड बाय हम्पी बॉल्ड बाय हम्पी ट्रेनी बॉलर This is the culprit. No, because he see in me Mukul. Captain sir, he see in me Mukul. That's why. So if you have seen this video till now, so please do like, share and subscribe. Captain, keep badminton ball here. Like, share and subscribe. ओके थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, चलते हैं फिर मिलेंगे। तो भाई साहब इतनी कसरत करने के बाद, खेलने के बाद, इतनी तो नहीं की है पर बहुत दिनों बाद की है, आप क्या सोचते हैं कि आप अच्छे, आपको अच्छा खाना मिले और उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक कुक, एक चीफ कुक, एक बोलते हैं हमारे इधर बापू। तो हमारे जज का बापू ने ऐसा खाना बनाया, ऐसा खाना बनाया कि माँ कसम क्या बोलूँ मैं, बोलो बापू। पर हमें बहुत दुख है कि ये बापू नहीं आ सके क्योंकि उनका काम ही आ सकता बापू, काम ही ऐसा है। पर मैं बताना चाहूँगा जब ये यंग एज में थे इनका ऐसा कहना है और इनके बारे में जाना भी है, इंटरनेट में आप देख सकते हैं, बहुत ही फेमस है आसाम की। अरे आपका आसाम की टीम से खेले, हमारे चैनल के नाम बोल रहा। अच्छा अच्छा, आसाम की टीम से खेले हैं ना, आसाम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है अपना, उधर हम लोग बचपन का खेल है। अब बुढ़ापा आ गया बेचारे को, बुढ़ापा आ गया, खाना पकड़ दिया, चम्मच घुमा रहा, चम्मच घुमा रहा। और पहले ऐसा बैटन घुमाते थे ना, बैठ की जगह चम्मच आएगी, अब बैठ की जगह चम्मच आ गया, तो जिंदगी का खेल है। फोन की जगह अंडी आ गया, अरे पापा जिंदगी का खेल है भाई, खुश रहो, चलो को केक बीन्स रोटी चना मसाला है, हाय चना चटनी दाल चना मसाला चिकन बीन्स और अपना कैप्टन साहब के लिए पोल रोटी। कौन सा पोल रोटी? कोकोनट वाला रोटी, अच्छा श्रीलंका डिश है वो। ओके अपना कैप्टन के लिए तो पुत्तू, मेरे लिए रोटी, और कैप्टन सोकाश के लिए, कैप्टन सोकाश के लिए आलू पराठा। आई यार रात को आलू पराठा मिल रहा है भाई, दिल खुश हो गया भाई। देखा देखा, इसलिए हम बापू बुलाते हैं, मतलब ऊपर से थोड़ा गुस्से वाले हैं पर अंदर से दिल है ना एकदम नरम है, हमारे लिए, हमारे लिए तत्पर रहते हैं कभी भी, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे चाय बोलो तो चाय, कुत्ता कप में रेडी रहता है इनका, चाय रेडी है हमारा, कुत्ता कप फिर से दिखाते हैं आपको, इसे हम मैं और कुकी बोलते हैं कुत्ता कप, इसी का नाम है कुत्ता कप। एक कुत्ता कप तो अन्य सब के पास ही फेंका रहता, इसका नाम कुत्ता कप भी रखा गया, इसीलिए हम दोनों कुत्ता की तरह जगे रहते हैं ना, सोते नहीं ना रात को, कुत्ता भी ऐसे कोई इंसान आ गया तुरंत जग जाता है। बाप रे बाप, मजा आ गया यार। तो चाय बस उबलने वाली है बस कुछ ही देर में, और सेकंड में ना, एक चीज आपको बताना चाहूँगा कि चाय की बहुत बड़ी रास्ता है वो, बताना क्यों? क्या बोलूँ यार, चाय का तो मेरा हालत खराब हुआ है, सुबह चढ़ाता हूँ मेरा राइस काली नहीं हो रहा, चाय का तो 3 बार लगाने का, और ये चालू है मोगा चुनी लाल की करना अपना।